जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को जो कि आपका एनडीए 2022 का है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, ये क्वेश्चन आपका तीन पार्ट में था, हम आप लोग को तीनों को एक्सप्लेन किया, ठीक है, डिटेल से। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया, जेड इक्वल टू दिया है आपका, ठीक है, ये 1 प्लस आयोटा साइन थीटा, नीचे क्या दिया 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज़ द एंगल थीटा, यानी कि आपको थीटा निकालना है सच दैट जेड इज़ प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। जेड आपका क्या प्योरली इमेजिनरी है, यानी कि प्योरली इमेजिनरी कब होता है, जब उसका रियल पार्ट जीरो होता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर जेड इक्वल टू मान लीजिए ए प्लस आयोटा बी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अगर हम इसको बोले क्या जेड आपका क्या प्योरली इमेजिनरी है, तो आपका रियल पार्ट जीरो, यानी कि ए आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। कल वाला क्वेश्चन में क्या दिया था आपका, जेड इज़ प्योरली रियल, तो उसमें क्या था इमेजिनरी पार्ट जीरो था, ठीक है। चलिए तो हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ए को यानी कि जिसमें आयोटा नहीं है उसको हम लोग जीरो इक्वल टू कर देंगे, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 1 प्लस आयोटा साइन थीटा, 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, 1 प्लस आयोटा साइन थीटा, और नीचे में क्या है 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ऊपर भी हो जाएगा क्या 1 प्लस आयोटा साइन थीटा, नीचे भी क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो आपको क्या आएगा यहाँ पर 1 प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपका, देखिए ए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स में ए माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी, कॉम्प्लेक्स नंबर में होता क्या आपका दोनों प्लस हो जाता है, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर देंगे, ये दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा तो हट जाता है, बचा क्या आपका साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर में ये बचा और नीचे में ये, अब ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा साइन थीटा को सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा 2, यानी कि 2 आयोटा साइन थीटा, और फिर उसके बाद आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर करिए तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 साइन, यानी कि -साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, -साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या बचा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, 1 और -साइन स्क्वायर क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और बचा क्या यहाँ पर +2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये इसको हम दोनों के नीचे लिख देंगे, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब क्या करते हैं हम, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, जेड इज प्योरली इमेजिनरी, और ये प्योरली इमेजिनरी कब होता है, जब इसका रियल पार्ट जीरो होता है, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे रियल पार्ट जीरो, यानी कि ए को जीरो कर देंगे। देखिए इसमें आयोटा है तो ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका रियल पार्ट, तो इसको हम लोग जीरो कर देंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो बचा के आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, यहाँ से फिर स्क्वायर हटेगा तो बचेगा क्या आपके पास, यहाँ पर लास्ट फाइनल बचता है आपका क्या कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। और कॉस थीटा कब जीरो होता है, ये होता है आपका 2n+1 × π/2, ठीक है, इस पर आपका जीरो होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका π/2 पे जीरो होगा, उसके बाद आपका ये फॉर्मूला लगते जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट करके, यानी कि टोटल आपका ये आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है, यानी कि 2n+1 × π/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।